उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद एक बार फिर माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रयागराज में पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए अतीक अहमद की संपत्ति को ढहा दिया। जोनल ऑफिसर आलोक पांडे ने बताया कि 10 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी, ये जरूरत से ज्यादा साइज की है, इसे हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माफिया और शिष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के बाउंड्री वॉल को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। इस कार्रवाई के लिए भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान वहां पर पहुंचे थे। औरैया के दिव्यापुर थाने के पुलिस कर्मियों पर एक महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। महिला के साथ अभद्रता का आरोप थानेदार विमलेश पांडे पर है, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि अपनी पत्नी की हादसे में मौत के बाद महिला पुलिस से इस मामले में हुई जांच की प्रगति पूछने गई थी। इस पर थानेदार ने उसके साथ अभद्रता कर दी। मामले का वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने थानेदार को सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं, जिसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो महिला अपने पति के मौत के बाद यहां पहुंची थी गुहार लगाने के लिए, लेकिन यहां पर थानेदार ने अभद्रता की है, महिला का आरोप है, जिसके बाद थानेदार को निलंबित किया गया है। सोशल मीडिया पे थाना दिव्यापुर से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि थाने पे तैनात सब इंस्पेक्टर विशंभर पांडे द्वारा थाने पर आई एक पीड़िता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और गाली गलौज की जा रही है। इस वीडियो के तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच सीओ सिटी को दी गई थी, जिनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर विशंभर पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर दी गई है। साथ में उस पीड़िता महिला की सुनवाई हेतु सीओ सिटी को निर्देशित किया गया है, जो उस महिला का पक्ष सुनकर दोष के आधार पर उसकी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में कथित रूप से लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक पर नाम धर्म छिपाकर दूसरे समुदाय की एक युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाने का आरोप लगा है। तो वहीं युवती नाबालिग बताई जा रही है, जिसके बयान पर पुलिस ने पॉस्को और धर्म परिवर्तन की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अपनी नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जाने तथा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने के संदर्भ में अभियोग 376 IPC पॉस्को एक्ट तथा धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था, जिसके अभियुक्त को आसिफ को आज थाना फरीदपुर के द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है तथा आवश्यक विशेष कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। लड़के को बहला फुसला के ले गया था, आकाश नाम बताया था उसने और लिखला था वह मुस्लिम आसिफ लिखला था। उसको तो फिलहाल जो अपराध उसने किया है उसको तो सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। मेरी यही खुशारत है कि जो योगी तीर पहुंच जाना चाहिए मेरी। किस तरह से वो आपकी बेटी से मिला? भेला फुसला के ले गया था, हम नहीं जानते, हम तो गरीब बाहर चौका बर्तन करते हैं घरों में। बस्ती के रैया तहसील के सुखरौली चौधरी गांव में खंडहर हो चुके मकान की खुदाई में भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और सिक्के निकलने की खबर लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां एक खंडहर हो चुके मकान की खुदाई में भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और सिक्के निकलने की खबर लोगों में आग की तरह फैल गई। खुदाई में सोने चांदी के और जेवरात निकलने की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर खुदाई के काम को रुकवा दिया। जिला प्रशासन ने खुदाई के स्थान पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुरातत्व विभाग अब इस खंडहर की खुदाई करेगा। इसमें एक हमारे यहाँ पे गांव सुकरौली चौधरी है, थाना पैकौलिया में, तहसील हरैया में, वहाँ पे सूचना मिली है कि किसी एक परिवार के द्वारा अपने ही परिसर में जो पुराना खंडहर था वहाँ पे खुदाई करी जा रही थी, उसके क्रम में उनको कुछ किसी प्रेशियस धातु के जो सिक्के हैं और कुछ पीसेस मिले हैं, तो उनको अभी नोटिस दे करके जो उनको वहाँ से प्राप्त हुआ है वो उनसे मंगाया जा रहा है। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस संबंध में पत्र दिया है और जो शेष खुदाई है वो उनके समक्ष करी जाएगी।